और ये यहाँ पे रखी है आटे वाली टंकी, यहाँ पे कुंडी, बेलन, चकला, तवा, यहाँ फिर चकला, और वो है कुटका। तो अभी मैं छान लेती हूँ। तो मैंने छान लिया है आटा, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना आटा भिगोना है। अभी मैं दीदी को बुला के लेके आती हूँ और बड़ी दीदी लेके आती हूँ। तो हम ऐसे ही नीचे बैठ के आटा भिगोते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा फिर आता हूँ। निकाल ले, देखियो अब बहुत है, तो निकाल 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 इसमें इसमें रख दूंगी। ठीक, इसमें तो अंदर पिंड जाएगा। सब्जी क्या बनाया? सब्जी देख लो, बनाओगे सब्जी के बनाओगे? कोफ्ते बनाने की सोच रही हूँ, पकौड़े बनने जा रहे हैं। अच्छा, फिर कहाँ जाओ? तो चाय तो पी ली। हाँ, चाय तो पी ली है। मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितना आटा भिगोऊं। पर आज मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया है। मेकअप नहीं किया है, क्योंकि मुझे हर रोज मेकअप लगाना पसंद नहीं है। आज तो मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई है। मैं सोचती यार घर घर पे तो रहना, क्योंकि बाहर से निकलना है नहीं। स्ट्रॉन्ग मेकअप करके स्किन खराब की है ना। और आज दीदी बनाएंगे कोफ्ते, कोफ्ते घिया के कोफ्ते। उसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अभी मैं आटा भी बोल रही हूँ, देना कितना शोर करे ना। एक बात है, बड़ी फैमिली में आता तो मुझे है ना। बहुत मजा आता है बड़ी फैमिली में। और हमारी अभी तैयारी हो चुकी है शाम के खाने की। मैं आटा भिगो रही हूँ, वो पता नहीं घिया उठाने अभी घिया लेके आएंगे दीदी। ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी मैं। ओके, तो अभी मैं पहले आटा भिगो लेती हूँ, और फिर आटा भिगोने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा फिर से। क्योंकि पता है यार मुझे ना इतनी बातें नहीं आती। मैं सोचती हूँ यार क्या बातें करूँ। जो ब्लॉगर हैं उनको तो बहुत स्टार्टिंग में तो उनको बहुत दिक्कत होती होगी ना, ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। मेरे ससुर को जाना है दूसरे वाले घर में, उनको ये रखा है। और बच्चे बोले अभी चलो अभी चलो, बाहर आई हुई है बहुत तेज बारिश। अभी मैं रखूंगी इसको अंदर। सब्जी तैयार है, और ये देखिए मैंने डाल ली। अभी मैं इसको खाने वाली हूँ, टेस्ट करने वाली हूँ कैसे बने।
ओके तो टेस्ट करके देखते हैं। तो आप भी ऐसे कोफ्ते की सब्जी बना के खाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है। हमारी तो बहुत टेस्टी बनी है। अगर आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज़ आ जाइए, मोस्ट वेलकम। नहीं तो घर पे बना के खाइए और कमेंट करके जरूर खाइए। आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, इस चैनल पे मैं प्रोडक्ट का भी रिव्यू करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। ओके,